Hello, Assalam student. This is Arshad Khan from Conscious Academy. Today we are going to solve A-level business studies. Its course is 9609/32. February-March 2021 का पर्चा है. हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर वन और टू ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं. आप इसको जाके हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. इसके अलावा हमने मई जून 2021 का भी एक पेपर सॉल्व किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं. तो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री पे हम आते हैं डायरेक्ट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री के रेफर टू टेबल टू एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन. इवेल्युएट द लाइकली इंपैक्ट ऑन बीएफबी'स फ्यूचर डिसीजन ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के हवाले से बात की जा रही है कि अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को हम देखें, जो भी ये टेबल टू में डाटा दिया हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर डिसीजन ऑफ बीएफबी. तो ये मैंने एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस का डाटा, ये मैंने डायरेक्ट जो इंसर्ट शीट है, जो क्वेश्चन पेपर में सवाल आया है, वो पूरा मैंने कॉपी किया कि 2019, 21, 22, 23 तक का क्या डाटा है. रियल जीडीपी है, इन्फ्लेशन रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, एक्सचेंज रेट है, बीएफबी मार्केट शेयर और बहुत और दूसरी चीज़ें आ गई. ठीक है जी. तो हमें सबसे पहले तक ये हम देखें कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते क्या. अच्छा, ये सवाल जो है मेरा अपना ख्याल है 16 नंबर का सवाल. यस, 16 नंबर का सवाल है. ठीक है. अच्छा, तो ये सबसे पहले आ जाते हैं कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता क्या है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल एंड लीगल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बीएफबी. यानी वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होगी, जो आपके जिसके अंदर आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है, यानी आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जाती है, आपके मैन पावर रिसोर्सेज है, आपकी पॉलिसीज, प्रोसीजर, फाइनेंस, कैपिटल, पार्टनर्स, ये सब डायरेक्टर्स, ये सारी की सारी इंटरनल चीज़ें आ जाती हैं. इंटरनल इन्वायरमेंट है आपके एचआर की क्या पॉलिसी है, बाकी सब पॉलिसीज क्या. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो है अदर देन आपकी जो फैक्ट्री से बाहर की चीज़ें हैं, जो कंपनी से बाहर की चीज़ें, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, लीगल फैक्टर्स आ जाते हैं. अच्छा, चेंजेस इन रियल जीडीपी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सही मानों में जो मेजर होता है जीडीपी के थ्रू होता है. इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल. जैसे डाटा में दिया हुआ कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, आपका प्राइस लेवल इंक्रीज होगा. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर द परसेंटेज ऑफ द लेबर मार्केट विदाउट वर्क. जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा, इसका मतलब ये कि आपको उतनी ज़्यादा लेबर फोर्स जो है मार्केट में एक्सेस है, या मार्केट पास लेबर फोर्स आपको सस्ती मिल जाएगी. और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो आपको लेबर्स महंगी मिलेगी. द एक्सचेंज रेट इंडेक्स मेजर द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट द बास्केट ऑफ अदर करेंसीज. एक्सचेंज रेट इंडेक्स ये शो कर रहा होता है कि आपके जो करेंसी है दूसरे मुल्कों से क्या है. जैसे कि कंट्री सी में जो यहाँ पे दिया गया है, ये एक्सचेंज रेट जो है ना नीचे आते जा रहा है. यानी इंडेक्स पहले आपके 102 था 100, यानी आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, अप्रिशिएट नहीं हो रही बल्कि डिप्रिशिएट हो रही है. ठीक है जी. अच्छा, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर का होता है कि गवर्नमेंट के फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इस साल क्या करना चाहती है, आगे क्या करना चाहती है, बैंक के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से क्या क्या चीज़ें करना चाहती हैं, ये भी एक हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है. अच्छा, अब एप्लीकेशन हम देख लेते हैं जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर जो किस तरह से बीएफबी पे या दूसरी चीज़ों पे इफेक्ट करेगी. कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एंड मे इम्पैक्ट कॉस्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन. अच्छा, कंज्यूमर प्राइस का जैसे इन्फ्लेशन में देखा था टेबल पे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपके जो कॉस्ट बढ़ेगी, आपके प्राइसिंग डिसीजन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होंगी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा, तो ये आपको बहुत मुश्किल होगी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने में. इंक्रीजिंग कॉस्ट में मीन दैट बीएफबी नीड्स टू आइडेंटिफाई मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. अच्छा, जैसे जैसे इंक्रीजिंग कॉस्ट हो रही है तो बीएफबी को ये अपनी एफिशिएंसी को और अच्छा करना पड़ेगा, वेस्ट को कम करना पड़ेगा, जो इनफिशियंसीज उनको कम करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट को कम्पीट कर सके, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ती जा रही है. अच्छा, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फोरकास्ट टू स्लो टू 3% बाय. अच्छा, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2.3 तक मतलब जा सकता है. अच्छा, कंट्री सीज करेंसी हैज़ डिप्रिशिएटेड सिंस 2019 मेकिंग इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव. अच्छा, कंट्री सी के जो करेंसी के वो डिप्रिशिएट होती जा रही है सिंस 2019, और ये आगे और जाके डिप्रिशिएट होगी, तो जैसे जैसे डिप्रिशिएट होती जाएगी तो इम्पोर्ट्स और आपके लिए महंगी होती जाएगी, क्योंकि बीएफबी जो है वो एसेसरीज या दूसरी जगह चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट्स करती है तो वो उनके लिए महंगी हो जाएगी.
अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग, मेकिंग रिक्रूटमेंट मोर डिफिकल्ट एंड विल गेट इम्पैक्ट वेजेस। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे टेबल में हमें दिया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो नीचे आ रहा था। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आने का मतलब ये कि लोगों को रोज़गार आराम से मिल रहा है। ये देखें 9, 7.5, 6, 7, 6.3 एंड 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बिजनेस पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग पीपल बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। लोगों को पता है कि अगर एक जगह जॉब नहीं मिलेगी हमें दूसरी जगह जॉब मिलेगी, और अगर एक जगह कम सैलरी मिल रही तो दूसरी जगह उनको अच्छी सैलरी पे जॉब मिल सकती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो मेकिंग रिक्रूटमेंट मोर डिफिकल्ट एंड विल इम्पैक्ट वेजेस। अच्छा, फिर दूसरा है कि गवर्नमेंट में रिड्यूस स्पेंडिंग टू कंट्रोल नेशनल डेट। अच्छा, गवर्नमेंट बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बहुत सारे जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए, वो कम कर देगी, ताकि वो चाहती है कि जो गवर्नमेंट ने डेट लिया वो डेट को कम से कम किया जाए, तो उससे भी ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट में इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन लिंक टू BFB एक्सपेंशन प्लान। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट जो ना बढ़ रहा है। अगर हम ये टेबल पर जाएँ तो देखें इन्फ्लेशन रेट एक्सचेंज रेट इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट जो आपका बढ़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सचेंज रेट इंडेक्स है, BFB नंबर। तो ये भी सवाल में दिया हुआ है कि जो कंट्री सी है इनका प्लान है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप जो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू आप बैंक से लोन लेते हैं या कहीं और से लोन लेते हैं, तो उसमें फिर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ BSB डायरेक्ट कंपटीटर एंड इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। अच्छा, इसी तरह से टेबल में दिया हुआ है कि जो BFB के डायरेक्ट कंपटीटर बढ़ रहे हैं, पहले 4 था, अब 4 से 5, और आगे सालों में और जाके और देखें क्या पोजीशन होती है। तो ये भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसका कि BFB के बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, अब हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। पोटेंशियल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीजिंग बोरिंग कॉस्ट फॉर BFC मेकिंग प्लान्स फॉर ग्रोथ लेस प्रॉफिटेबल, दस इम्पैक्टिंग डिसीजन अबाउट ग्रोथ एंड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो BFB के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो आगे ग्रोथ के बारे में सोच रही है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए फाइनेंस हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑफ कंट्री विल इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एज कॉस्ट इंक्रीज दिस विल इफेक्ट प्राइसिंग डिसीजन ऑफ BFB। क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट होती है, तो जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ जाएगी। जो इम्पोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट आपका जो इम्पैक्ट है प्राइसिंग पे पड़ेगा। जो BFB की जो प्राइसिंग डिसीजन है, बाइसिकल के जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन विल अफेक्ट द डिस्क्रिशनरी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एंड पोटेंशियली रिड्यूस द स्पेंडिंग इन द इकॉनमी अफेक्टिंग डिमांड ऑफ साइकिल। अच्छा, जाहिर बात, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपके पास जो डिस्क्रिशनरी इनकम है वो कम से कम होती जाएगी, आपके स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी, तो जिसकी वजह से साइकिल लोगों को खरीदने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लोग वहाँ पे आराम से नहीं जाएंगे साइकिल खरीदने के लिए, थोड़ा सा रिलेक्टेंट होंगे, हो सकता है कि साइकिल की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाए। न्यू फैक्ट्री में फेस इंक्रीज वेज प्रेशर कॉस्ट ड्यू टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो BFB जो है नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं कंट्री सी में, अपने ही मुल्क में, तो वहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर पता अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने की वजह से क्या वेज रेट बढ़ रहा है। तो जब सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो क्या होगा, वेज रेट बढ़ेगा, वेज पे प्रेशर आ जाएगा, जिसकी वजह से उनके लिए जो है एफिशिएंसी और बिजनेस में सेविंग लाना बहुत मुश्किल हो जाएगी और कॉस्टिंग उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कंटिन्यूड इंक्रीज इन रियल GDP विल सपोर्ट डिसीजन ऑफ BFB रिगार्डिंग ग्रोथ। हाँ, एक अच्छा पॉइंट ये है कि GDP बढ़ रही है, तो GDP बढ़ने से ये होगा कि लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, स्पेयर पैसे आएंगे, तो उससे ये भी आसानी है कि आपके बिजनेस में भी ग्रोथ है। न्यू कंप्यूटर्स में इंक्रीज प्रेशर ऑन BFB टू रिड्यूस प्राइस एंड दस इम्पैक्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अच्छा, हमने टेबल में ये भी देखा कि कंपटीटर भी उसके बढ़ रहे हैं, पहले 4 थे, अभी 5 हो जाएंगे कंपटीटर। तो कंपटीटर बढ़ने से ये होगा कि BFB को अपने प्राइसिंग पे प्रेशर होगा, उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी फर्क पड़ेगा। इवेल्यूएशन आइडेंटिफिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर एंड जस्टिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर क्या, एक तो ये कि उन BFB को ना डाइवर्सिफिकेशन पे जाना चाहिए, उससे रिड्यूस उसका रिस्क हो जाएगा। क्योंकि साइकिल के साथ साथ जैसे 60 ईयर साइकिल्स वाला था, ये साइकिल के पार्ट्स हैं, ये कोई और बिजनेस, उसके तरफ उसको जाना चाहिए।
द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एंड मे चेंज इन द फ्यूचर एंड अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंटली. केयर शुड बी गिवन वाइल मेकिंग बाई एनी बिग डिसीजन बिकॉज गवर्नमेंट ने चेंज पॉलिसी. अच्छा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है और प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, तो उसके हिसाब से इनको डिसीजन मेकिंग में बहुत केयर करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज बहुत चेंजेस हो रही हैं. कंटीजेंसी प्लानिंग में भी सिग्निफिकेंट. कंटीजेंसी प्लान पे फोकस करना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता ये करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और कम हो रहा है, ये सब चीज़ें होती तो क्या उसका बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स जो है लोकल मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए ताकि इंपोर्ट्स के कम हो, ताकि इंपोर्ट्स कम होगी तो फिर उसकी प्राइस नीचे आएगी. इसके अलावा ये कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा उनको देखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट अभी 10% है, आगे 15-20% कर देंगे तो उनको ये आसानी होगा क्योंकि एक्सपोर्ट में उनको प्राइस अच्छे मिलेंगे क्योंकि इनकी कंट्री सी के वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो वहाँ से जो भी पैसे आएंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट इंक्रीज इन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें ये भी देखना पड़ेगा. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि टेबल टू पर जो डाटा है एक फोरकास्ट है. एक्चुअल क्या होता है ये आगे पता चलेगा, मे बी डिफरेंट हो सकता है, मे बी यही हो, मे बी इससे नीचे हो, मे बी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर हो, तो उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए. मैनेजर एबिलिटी टू प्लान फॉर फोरकास्ट चेंज. अच्छा, मैनेजर्स की जो इनकी एबिलिटी है क्योंकि तमाम का तमाम ये सेंट्रल इनके यहाँ कंट्रोल है, सिस्टम है, तो मैनेजर्स को भी बड़े इफ़ेक्टिवली अपने जो चेंजिंग इन्वायरमेंट उसके हवाले से चीज़ों को फोरकास्ट करना और प्लान करना बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर एक्शन से रिस्पॉन्स टू चेंज विल बी इम्पॉर्टेंट. हमें ये देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स से क्या एक्शन होते हैं. अगर कंप्यूटर्स भी मार्केट के हालात के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए कि हमें ये देखना होगा कंप्यूटर क्या एक्शन ले रहा हो, क्या वो अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है, वो प्राइस बढ़ा रहा है, या वो लोकलाइजेशन पर जा रहा है रादर देन इम्पोर्टिंग ऑफ पार्ट्स, वो लोकल मार्केट में पार्ट्स को डेवलप कर रहा है. तो इन सब उसकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या, क्या वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, लोकल पे कम कर रहा है क्योंकि लोकल प्राइसिंग जो है बहुत मुश्किल हो गई है, तो ये सब चीज़ें कंपटीटर्स के देखते हुए हमें भी करना पड़ेगा. सिग्निफिकेंट ऑफ अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन में इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विल इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेसेस है, उस पर हमें काम करना पड़ेगा. चाहे जब इंटरनली आप सेट होंगे तो आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को आराम से बेयर कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से फेस करते हैं. प्रपोज टेक ओवर में इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स ऑफ बीएफबी. फिर टीटी ने एक टेक ओवर के इनको सजेशन दिया है, इसे भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे हैं कि जो हमें टेक ओवर पर जाना चाहिए. ऐसा तो नहीं कि हम टेक ओवर गलत टाइम पे हो और एक्सटर्नल टेक ओवर करने के बावजूद भी हमारे लिए वो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई. तो स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बिज़नेस पर कितना असर कर रहा है. तो ये 16 नंबर का सवाल था और काफ़ी अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया. फिर भी अगर कुछ आपको कमी पेशी रहती तो आप हमें बताइए, हम उसको पूरा करेंगे. नाउ हियर एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू.